नमस्कार, स्ट्रीट मेल फतेहाबाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ डबला। आप देख सकते हैं फिलहाल आज जो है रोडवेज की हड़ताल है, मगर आपको सवारियां जो है काफ़ी परेशानी में नजर आएंगी यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं रोडवेज की हड़ताल होने के बाद जो है सरकारी बसों की जो है आवागमन जो है वो बंद हो गया है। और फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लोग इधर से उधर बसों के पीछे जो है भागते आपको नजर आएंगे। वो लगातार वो साथियों की प्रमोशन करी जाए। आज जो वेतन भी संख्या है, चाहे लिपिक की हो, चाहे वो कलर की उसकी चालक की हो, चाहे परिचालक की, उन वेतन भी संख्या को दूर किया जाए। ओपीएस को भी लेके कोई मांग है जी? पूर्ण रूप से आज ओपीएस को लेकर के भी हरियाणा का तमाम कर्मचारी जो हमारे 2004 के बाद तमाम के तमाम जो नए साथी जो भर्ती हुए थे, आज उसको लेकर के भी हमारे जो पुराने साथी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के 11 तारीख को हम एक पूर्ण रूप से एक बड़ी रैली जींद के अंदर करने जा रहे हैं। उसके अंदर हरियाणा रोडवेज का तमाम कर्मचारी उस रैली के अंदर भागीदारी करेगा। परंतु सरकार जो एक रन जो हिट एंड रन का जो कानून लेकर जो आई है, आज जो हमारे तमाम जो चालक साथी है उनके ऊपर जिस प्रकार की 7 साल की और कम से कम 10-12 लाख की जो सजाएं दे रही है सरकार, उसको उस कड़े कानून को रद्द किया जाए, हमारे को बड़े शर्म और खेद की बात है। जिस प्रकार से जो सरकार ने हमारे जो साथियों से बातचीत करके वो लागू नहीं की, उसके बाद हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के करनाल के अंदर निवास स्थान के अंदर घेराव किया और वहाँ के प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हम तुरंत मुख्यमंत्री से बातचीत करके आपकी समस्या का समाधान कराएंगे, परंतु सरकार ने ऐसा नहीं किया। आने वाली आज जो 24 तारीख थी उसको लेकर के आज काफी गुस्सा तमाम कर्मचारियों के अंदर, आज तमाम कर्मचारी हड़ताल के ऊपर है। मैं ये साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, तो समय रहते हुए या तो हमारे सांझा मोर्चे से सरकार बातचीत करे, अन्नाथ तुरंत इसके बाद 24 तारीख के बाद एक संजय मोर्चा की मीटिंग बुलाकर एक निर्णायक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। और एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आने वाले समय के अंदर एक पूर्ण रूप से एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके यह जो सरकार की जन विरोधी, जनता विरोधी, कर्मचारी विरोधी, मजदूर विरोधी तमाम जो नीतियां हैं उसको लेकर के लाभ बंद होकर के आने वाली 2024 के अंदर जो चुनाव है बीजेपी सरकार का, उसको वोट की चोट मार करके सबक सिखाने का काम करेंगे। क्या नाम और क्या पद है जी? प्रधान शिव कुमार चौहान, संजय मोर्चा फतेहाबाद डिपो। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो समय समय पर प्रदेश के चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, छात्र हो, हर किसी की समय समय पर उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान करे। लेकिन सरकार के द्वारा पिछले हमें 24 दिसंबर को जिस तरह से करनाल में मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए गए थे, वहां पर सरकार ने जो उनके प्रतिनिधि थे उन्होंने हमें समय दिया था वार्ता के लिए कि आगामी 10 जनवरी तक बातचीत के द्वारा आपकी मांगों का हम समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने विश्वासघात किया वो एक सही कदम नहीं है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि अब भी समय नहीं गया है, अब भी सरकार जो समय रहते चेते और हमारी जायज मांगे हैं उन्हें वार्ता के द्वारा मेज पर बुला करके हमारी मांगों का निपटारा करें। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपनी मांगों को लेकर जो है रोडवेज कर्मचारियों ने आज फतेहाबाद बस स्टैंड के बाहर जो है धूनी जलाकर जो है हड़ताल की है। कर्मचारियों ने बताया कि जो सरकार हिट एंड रन का काला कानून लेकर आई है उसको समय रहता है जो है वापस कर ले, वरना जो है कर्मचारी आने वाले समय में जो है पूरे देश भर में जो है हड़ताल पर उतरेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। धन्यवाद।